नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, नर्सिंग भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी है जिन्होंने कोर्ट में रिट पिटीशन जो मतलब मामला दायर किया था उसको लेकर के ये अपडेट है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ट्वीट किया गया है जयपुर से। नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के पद पर समस्त सेवा परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं जिसमें आप देख सकते हो जस्टिस जो थे अरुण बंसाली की अदालत ने दिए आदेश, ईश्वर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया आदेश। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया क्या है पूरा मामला। दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, 4/9/2021 यानी आज ही का अपडेट है दोस्तों। और इसके अलावा नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर समस्त सेवा परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश जस्टिस अरुण बंसाली की अदालत ने दिए आदेश, ईश्वर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया आदेश। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया, कहा राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकरण रिन्यू नहीं कराने के कारण किया था नियुक्ति से वंचित। दोस्तों आप देख सकते हो राजस्थान काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं रिन्यू नहीं कराने के कारण किया गया था नियुक्ति से वंचित, जो अधिवक्ता है राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया। और जबकि प्रार्थी के पास RNC में पंजीकरण रिन्यू था, दूसरे राज्य में पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें नवीनीकरण करवा लिया था। नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 के समय भी पंजीकरण था, फिर भी नियुक्ति से वंचित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, नर्सिंग भर्ती 2018 का ये मामला है, JNM को लेकर के अपडेट है। और इसमें जो आदेश दिया है कोर्ट के द्वारा और जो अपने यहाँ जो याचिकाकर्ता है राम प्रताप जी, अधिवक्ता राम प्रताप जी सैनी, इन्होंने कोर्ट को ये बताया कि जो प्रार्थी है जो अभ्यर्थी है उनके पास नर्सिंग काउंसलिंग का जो पंजीकरण का जो रिन्यू नहीं कराने के कारण नियुक्ति से इनको वंचित किया गया था, जबकि इनके पास रिन्यू किया हुआ RNC का जो प्रमाण पत्र है वो था, तो फिर भी इनको वंचित किया गया। तो इसको लेकर अदालत ने कहा कि प्रार्थी को समस्त सेवाएं और संपूर्ण लाभ देते हुए नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इसके अलावा दोस्तों जामिया वाले काफ़ी कमेंट्स करते रहते हैं लगातार कि सर हमारा क्या होगा, हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चल रही है। तो उनको बताना चाहूँगा, जामिया उर्दू का मामला ऐसा है कि उसको लेकर के अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी जो मैटर है ये जो इनका काउंसलिंग का जो मैटर है इनका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही ये संपूर्ण मामला क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही जामिया उर्दू मामले को लेकर के कुछ समझौता हो सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।